हे गाइस बेटू आर्मी हियर। गाइस फाइनली आज 2:30 बजे बीआर रैंक्ड का न्यू सीजन 28 आने वाला है एंड तुम्हारा भाई फिर से रीजन में टॉप 2 करने वाला है वो भी सोलो। गाइस लिटरली मैं पिछले 4 सीजन से कंटिन्यूअसली सोलो में रीजन टॉप 5 टॉप 4 टॉप 3 टॉप 1 करते आ रहा हूं। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास भी कोई अच्छा स्क्वाड नहीं है एंड अगर आप लोग 3 से 4 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर पे रीजन करना चाहते हो वो भी सोलो में तो फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। बिकॉज सीजन 28 में तो वैसे भी सोलो में रैंक पुश करना बिल्कुल ही आसान हो चुका है क्योंकि जोन वाला कुछ चेंजिंग आया है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलो गाइस बिना लेट किए मैं जिस स्ट्रेटजी के साथ इस सीजन रैंक पुश करने वाला हूँ वो भी सोलो में वो आपको भी बताता हूँ। प्लीज ध्यान से देखना बिना स्किप किए। एंड गाइस अगर आप लोग सारे स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो फिर आपको 3 से 4 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर करने से कोई नहीं रोकेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बिकॉज मैं 3 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके रैंक को पुश करना, क्योंकि यहाँ पे ना आपका पोजीशन मैटर करेगा कि पोजीशन निकालना है, यहाँ पे किल मैटर नहीं करता क्योंकि आज पहला दिन है सीजन का। ओके गाइस तो फाइनली मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया है। एंड गाइस जैसे ही गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं। एंड गाइस कैरेक्टर में आपको लेना है के फॉर्ड मैक्सिम एंड नोटोरा एंड पेट में आपको टेरो लेना। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग प्लेन में आते हैं एंड अब आती है मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की आपको लैंडिंग कहाँ पे करना। बट उससे पहले गाइस लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर देख लो बीआर रैंक्ड एंड डायमंड 4 का लोगो दिख रहा होगा, मतलब ये कंफर्म्ड है कि ये रैंक्ड मैच है। गाइस मैप में आपको कोई भी एक्स्ट्रा मैप डाउनलोड नहीं करना है तो ये कंफर्म है कि मैप बरमुडा ही आएगा। गाइस जैसे ही बरमुडा मैप आता है देन फिर डायरेक्टली आपको मार्क करना प्लांटेशन पे। एंड गाइस प्लांटेशन में जो 2 एल सेफ है ना डायरेक्टली आपको उसी के ऊपर ही लैंड करना है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि प्लेन के स्टार्टिंग में प्लांटेशन है या फिर प्लेन के एंड में, आपको डायरेक्टली प्लांटेशन में ही लैंड करना है। दूसरा पॉइंट गाइस आपको इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना है कि आपके स्कैनर में कितने बंदे दिख रहे हैं, आसपास कितने बंदे उतर रहे हैं, बस मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना सेम उसी पे पूरा फोकस करना है। देन फिर गाइस जब आप जैसे ही इस एल सेफ के ऊपर लैंड कर जाते हो तो यहाँ पे जो दोनों एल सेफ है ना सबसे पहले तो आपको उस दोनों एल सेफ को लूट करना है। लूट करते टाइम ज्यादा लूट की जरूरत नहीं है, बस एक गन मिल जाना चाहिए इतना ही काफी है, वो भी इमरजेंसी के लिए। फाइट तो आपको वैसे भी नहीं करने दूंगा क्योंकि गाइस पोजीशन निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। एंड देन फिर गाइस ये दोनों एल सेफ लूटने के बाद आपको इस लॉन्च पैड को सीधा उसी डायरेक्शन में सेट करना है जिस डायरेक्शन में मैं सेट कर रहा हूँ एंड बिना सोचे समझे सीधा उड़ जाना। एंड देन फिर गाइस उसके बाद आप जहाँ पे लैंड करते हो तो फिर सीधा आपको पानी की साइड भागना एंड तब तक भागना जब तक आप एंड तक ना पहुंचे। एंड फाइनली गाइस जब आप जैसे वहाँ पे पहुंच जाते हो दोनों उसके बाद अब आपको यहाँ पे तब तक वेट करना जब तक फॉल जोन श्रिंक करके ज्यादा दूर नहीं चले जाओ। तो गाइस वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को क्रॉप करके डायरेक्टली वहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ पे जोन श्रिंक करके दूर चला जाता है एंड देन फिर आगे बताते हैं कि क्या करना। फाइनली देख लो गाइस आप लोग तो जोन यहाँ पे श्रिंक करके इतना दूर जा चुका है एंड उसके बाद अब आपको शिपयार्ड की साइड जाना है एंड वहाँ पे जाने के बाद अब आपको लूट करना। गाइस यहाँ पे अब मेन पॉइंट ये आता है कि आपको लूट के टाइम पे कौन सी चीजों पे फोकस करना है। सो गाइस वो जानने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर मैं ग्रैंड मास्टर या फिर रीजन कर भी लेता हूँ ना तो भी आपके लिए सोलो रैंक पुश से रिलेटेड वीडियोस डेली लाऊंगा, तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। गाइस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि सीजन चेंज होने का स्टार्टिंग 2-3 दिन आपका पोजीशन मैटर करता है ना कि आपका किल कितना है वो मैटर करेगा। गाइस पोजीशन निकालने के लिए आपको जोन सर्वाइव करना पड़ेगा एंड जोन सर्वाइव करने के लिए आपको मेडिकिट्स एंड इनहेलर इन दोनों पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसलिए गाइस जब भी आप लूट कर रहे होते हो तो मेडिकिट्स जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लेने की कोशिश करना। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि सेम कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ गाइस मैं जोन के बाहर आपको टॉप 8 टू टॉप 10 करके दिखाने वाला हूं। देन फिर उसके बाद किल करके बुया कैसे करना है ये भी बताने वाला हूं। तो प्लीज यार अगर आप लोग सीरियसली ग्रैंड मास्टर करना चाहते हो ना तो फिर वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना एंड इन सारे स्टेप्स को फॉलो जरूर करना। गाइस फाइनली देख लो तो फर्स्ट जोन रुक चुका है एंड मेरी एक एक करके एचपी भी घट रही है, बट इससे टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज आपका नोटोरा कैरेक्टर तो अभी एक्टिव भी नहीं हुआ। हाँ गाइस बट इस सीजन जो नया देखने को मिला है ना वो ये है गाइस कि सीजन फर्स्ट हो या सेकंड अगर आपकी एचपी अभी घट करके 100 से कम हो जाती है। एक चीज देखो गाइस यहाँ पे मैं अपने एचपी मोड को ईपी मोड पे करता हूँ एंड उसके बाद गाड़ी में बैठता हूँ एंड गाइस मेरी एचपी देखो तभी 5-5 करके घट रही है बट ये जोन अभी सेकंड ही चल रहा है। एंड ये आपको भी पता होगा कि सेकंड जोन में एचपी सिर्फ एक एक करके ही घटती है अगर आपके पास के कैरेक्टर होता है। गाइस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना अपने एचपी को हमेशा फुल रखने की कोशिश करना है क्योंकि जितना फुल रखोगे उतना कम आपका एचपी माइनस होगा, बट गाइस अगर जितना ज्यादा एचपी घट जाएगा ना उतना और तेजी में घटने लगेगा। एंड जैसे ही गाइस आपका लूट कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद आपको पूरे मैप में जोन के बाहर मशरूम ढूंढने की कोशिश करना है जितना ज्यादा मशरूम आप ढूंढ सकते हो। जैसे गाइस मैं इस मशरूम के पास गाड़ी रोकता हूँ तो मैं इस मशरूम को स्टार्टिंग में ही देख लिया था जिस टाइम पे मैं लॉन्च पैड से लैंड किया था, इसीलिए गाइस मैं आपको यहाँ पे लैंड करने बोलता हूँ क्योंकि
यहाँ पे एक मशरूम कंफर्म है कि रहता है। फाइनली देख लो गाइज, आप लोग तो जोन कितना छोटा हो चुका है ना, लिटरली गाइज अभी भी मैं जोन के बाहर हूँ एंड गाइज मेरी एचपी ज्यादा घट भी नहीं रही है अगर आप लोग इस चीज को नोटिस करोगे। बट यहाँ पे गाइज आपके अंदर एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर मेरे को मशरूम नहीं मिलता है ना, मेरी ईपी भी खत्म हो जा रही है, फिर मैं ईपी लाऊंगा कहाँ से। तो गाइज इसीलिए तो मैंने आपको बोला है ओटेरो पेट लेने के लिए। जैसे गाइज यहाँ पे देखो मेरी एपी कितनी कम है, बट मैं जैसे ही मेडिकिट को यूज करूंगा तो उसके बाद देखो गाइज मेरा ईपी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर गया। एंड वो ईपी इसीलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ओटेरो पेट का काम ये है कि 60% आपको ईपी देता है जितना मेडिकिट में आपको एचपी मिलता है। एंड गाइज फाइनली देख लो आप लोग तो पोजीशन टॉप 10 हो चुका है एंड कितना छोटा जोन हो चुका है। एंड अभी तक मैं जोन के बाहर इसीलिए सर्वाइव कर पा रहा हूं क्योंकि गाइज मैं अपनी एचपी को हमेशा फुल रखने की कोशिश कर रहा हूं। एंड गाइज जैसे ही आपका पोजीशन टॉप 9 टॉप 8 हो जाता है देन फिर उसके बाद अब आपको नॉर्मली जोन के बाहर चले जाना है एंड कोई एक सेफ प्लेस ढूंढना है एंड उसी सेफ प्लेस पे जाने के बाद आपको अपने गाड़ी को रोकना है। गाइज यहां तक तो मैंने आपको बस सर्वाइव इसीलिए करवाया है बिकॉज आपका रैंक माइनस नहीं हो। एंड गाइज मैं अपनी गाड़ी को सेफ प्लेस में ले ही जा रहा था, उससे पहले ही मेरी गाड़ी को जला देता है तो टेंशन की बात नहीं। उसके बाद तो जोन छोटा रहता है तो आप कहीं पे भी अपना सेफ जगह ढूंढ सकते हैं। फाइनली गाइज मेरे को मेरा सेफ प्लेस मिल जाता है क्योंकि गाइज ये लॉबी ना एक्चुअल में हार्ड होती है, अगर मैं जोन सर्वाइव नहीं करता तो फिर मैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता। एंड यहाँ पे आने के बाद ना गाइज अब काम आएगा आपका पेशेंस, क्योंकि गाइज देख लो आपके जो भी बंदे है ना, 8 बंदे हैं तो वो 8 बंदे आपके आसपास ही है। बट गाइज यहाँ पे आप जितना ज्यादा पोजीशन निकाल सकते हो उतना ज्यादा पोजीशन को निकालो। गाइज अगर आप एक किल के साथ भी पोजीशन को अगर टॉप 3 या टॉप 2 कर लेते हो ना या फिर भुया, तो आपको अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा। क्योंकि गाइज मैंने आपको पहले ही बोला कि पहला दिन लॉबी हार्ड आती है, यहाँ पे पोजीशन निकालने की कोशिश करना। एंड गाइज फाइनली देख लो तो पोजीशन टॉप 5 हो चुका है। लिटरली गाइज इतना छोटा जोन हो चुका है, यहाँ से ना मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ बट मेरे को डर भी लगता है यार कि अगर इतना मेहनत किया हूँ मर गया 0 किल के साथ तो फिर मतलब समझ रहे हो ना लोल हो जाएगा। एंड गाइज समझ रहे हो ना यहाँ पे ना मेरा हाथ भी थरथरा रहा था, मतलब समझ रहे हो थोड़ा सा मैं पैनिक भी हो गया था क्योंकि गाइज मतलब क्या ही बोलो यार, यहाँ पे मतलब इतना डर लग रहा था मेरे को कि कोई नो बंदा भी चाहे तो मेरे को मार के चला जाए। अब आप खुद ही देखो गाइज कि लास्ट जोन भी श्रिंक करने वाला है एंड अभी भी 4 बंदे जिंदा है, कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं। एंड मैं जोन के बाहर चला गया था इतने में ही। एंड गाइज यहाँ पे मैं इस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, यार हेड पे ही एम नहीं जाता है मेरा तो। एंड फाइनली गाइज यहाँ पे बंदा वॉल भी डाल लेता है तो फिर मैं आगे से जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि पीछे से मेरे को जगह नहीं मिलता है। इतने में गाइज पीछे से मेरे को बंदा मारने की कोशिश करता है, फाइनली मैं इसको तो मार देता हूँ। बट गाइज अब जो सीन होने वाला है ना लिटरली लास्ट जोन में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था भाई कि इतना थ्रिलर वाला गेम हो जाएगा ये। एंड गाइज यहाँ पे ना मैं ज्यादा स्पेस लेने की कोशिश करता हूँ बट स्पेस भी ज्यादा ले लेता हूँ। बट गाइज पता नहीं मेरा दिमाग क्या काम करता है, मैं डायरेक्टली साइड से रश करने जाता हूँ भाई, मतलब बंदा किधर मार रहा है मैं कैसे एलिमिनेट होता हूँ मेरे को पता भी नहीं चलता। एंड गाइज अब मैं गेम को बैक करता हूँ तो आप लोग देख लो कि मेरे को कितना प्लस मिलता है। सो गाइज इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे पोजीशन मैटर करता है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।